ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। ये कहानी एक गांव के किसानों की, जिनसे क्रोधित होकर केंद्रदेव ने कहा कि अगले 12 वर्षों तक आपके यहाँ वर्षा नहीं होगी। गांव के किसान बड़े परेशान हुए। इंद्रदेव ने कहा एक ही उपाय है, भगवान शिव जी के पास जाओ, अगर वो डमरू बजा देंगे तो उसी पल आपके यहाँ बारिश हो जाएगी। जब गांव के किसान वहां पहुंचे तो इंद्रदेव ने पहले ही भगवान शिव जी से कह दिया था कि आप डमरू मत बजाना। भगवान शिव जी ने मना कर दिया कि 12 वर्षों के बाद डमरू बजेगा। गांव के किसान लौट आए, उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अपने घरों में रहने लगे, खेत पर जाना बंद कर दिया। लेकिन एक किसान रोजाना हल लेकर के चल पड़ता था, खेती करने का प्रयास करता था, निंदाई गुड़ाई सारे काम करता था। गांव के बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि जब 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो खेत में जाते क्यों। वो किसान कहता था कि कहीं मैं खेती करना ना भूल जाऊं, इसीलिए रोजाना अभ्यास करता रहता हूं। माँ पार्वती ने जब ये चर्चा सुनी तो भगवान शिव जी से कहा कि वहां एक किसान जो है रोजाना जाता है अभ्यास करने के लिए कि कहीं खेती करना इन 12 सालों में ना भूल जाए, आप कहीं 12 वर्षों में डमरू बजाना ना भूल जाए। जैसी माँ पार्वती ने कहा, महादेव जी ने डमरू उठाया जांचने के लिए कि बज रहा है कि नहीं। डमरू बजा और उसी पल उस गांव में बरसात हुई। वो एकमात्र किसान जो था उसके खेत में कुछ समय के बाद फसल लहलहाई, क्योंकि उसी ने निरंतर प्रयास किया था, बीज बोए थे। जीवन में लगातार प्रयास करते रहिए, क्या पता कब डमरू बज जाए।